नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपण मुझे प्रथम हेडलाइंस विजिलेंस सेलर शिक्षक सुवर्णपुर पथरघाट सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संतोष साहू घरे ग्रेड वीर महाराजपुर लातुर पेट बासभवन में विजिलेंस चढ़ाओ आय बहिर्भूत संपत्ति चला अभियोग जाजपुर कुनि शिशु पिहू निखोज घटना सन्देह में दुई जन को उठाई नेला बिंझारपुर पुलिस पिहू माँ मोनालीसा मऊसा सुभाष जेना और पु सुनील जेना अटक शिमिलपाल व्याघ्र संरक्षण जंगल अग्निकाण्ड घटना विभाग अधिकारी तुरंत पदक्षेप रिपोर्ट पर निर्देश देते जंगल और परिवेश मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर उद्वेग प्रकाश करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राज्य चाषी को मिलूनी पीएम किसान निधि योजनार प्राप्य मुख्यमंत्री को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चिठी मागिले पंजीकृत 40 लाख चाषी तालिका विरोधी प्रश्न सबु योग्य चाषी पाइबे महानदी को माड़ आसुची महाविपद सुखुची ओडिशार जीवनरेखा जून में बढ़ जलकष्ट 6 फुट तल को खसला जल भंडार जलस्तर जल संरक्षण केव ब्यारेज स्थान चिन्हट प्रेसमिट में बड़ घोषणा बास्तव चित्र अलग कोरोना कटक ना राज्य सीमार सबकि खोलामेला छत्तीसगढ़ को गले जात्री टेस्टिंग ओडिशा को एंट्री फ्री ग्राउंड जीरो स्थिति पर टीम पुआ माड़े बापर मृत्यु माँ और स्त्री गुरुतर मद निशारे बापा आक्रमण बालेश्वर बालियारे घटी अघटन अभियुक्त को अटक रखी सहदेवखंटा पुलिस एवं बढ़ला कांग्रेस कंदल दलय आक्रोशर शिकार कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा गुलाम सृष्टि कला अड़ुआ निज राज्य दलय विरोध शिकार हेले गुलाम नबी एबे देखिबा संपूर्ण खबर विजिलेंस जालरे कोटिपति शिक्षक सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर ब्लॉक रो शिक्षक संतोष साहू घरे विजिलेंस चढ़ाओ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग संबलपुर सुवर्णपुर विजिलेंस रो मिलित चढ़ाओ पैतृक घर केंजियापाली समेत लातुर पेटरे थिबा घरे एक सांगरे चालिछु रेड संतोष साहू वर्तमान पथरघाट प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षक भाबे कार्यरत अछन्ते लातुर पेटरे दुई बिल्डिंग रो एक घर सह 10 टी स्टल रहता बेले गोटे चारिचकिया गाड़ी रही प्राथमिक तदंतर जमापड़ी विजिलेंस विभाग पक्षर संपत्तिर आकलन जारी रही आकलन सर प्रकृत संपत्तिर मूल्य जमापड़ विजिलेंस विभाग पक्षर सूचना मिले तेज संपर्कित अधिक सूचना आम सहित सुवर्णपुर फोन लाइन जोड़ प्रतिनिधि सत्यव्रत प्रधान अच्छा सत्यव्रत पूरा घटना सहित जानापी चाहिए जो भाई भाव में जहाँ विजिलेंस एक प्रकार चढ़ाव करोटा क्योंकि आय बहिर्भूत संपत्ति स्थलता रही जो कि विजिलेंस चढ़ाव जारी रही पाखापाखि केतोटी टीम जहाँ सूचना रही कि जारी कर संबलपुर एवं सुवर्णपुर विजिलेंस मिलित चढ़ाव चली लातुर पेटे घर एवं गाँव में केंजरियापाली गाँव में घर चढ़ाव चलती किठार जेहतु ताला पड़ी से विजिलेंस पलि लातुर पेटे बासभवन चढ़ाव चली बखरा दि बिल्डिंग घर अच्छी 10 टी स्टल अच्छी नगद टंका विजिलेंस हाथ में लगी विजिलेंस तदंत कर संपत्ति अच्छी जहाँ आलोचना चर्चा हो संपुक्त शिक्षक जनक होती पथरघाट वर्तमान अवस्थापित अच्छा एवं से विभिन्न जमी कारबार आलोचना होती चर्चा एवं विजिलेंस टिकी टिकी सब तदंत कर तदंत पर प्रकृत संपत्तिर मूल्य जना पड़ब बर्तमान चढ़ाव जारी रही रिश्मी सत्यव्रत आपण जहाँ सूचना दौले कि जितेबाला तदंत बर्तमान जारी रही पाखापाखि बर्तमान पर्यंत केते जदि कबे संपत्ति थिबा किछि मूल्य एभली किछि अनुमान करा जाउछि देखंतु प्रकृत मूल्य तो जना पड़ी नहीं किंतु नगद टंका लागिछि विजिलेंस हाथ में नगद टंका गणिबार विजिलेंस आकलन करुछि एवं जहाँ घरर आकलन कला पर जना पड़ प्रकृत में केते संपत्ति अछि एवं कौन कौन संपत्ति अच्छे सब टिके निकी बाहर कर पचरा उचरा जारी रही तो जिते बड़े सर तदंत पर जना पड़ प्रकृत में के संपत्ति अच्छी
କଣ କଣ ରହିଛି ପରେ ଯାଇ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଆକଳନ ସରିଲେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ, ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନାଭିଦିତ୍ୟ ପ୍ରଗତି। ଏହି ଘଟଣା ଗତ 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:31 ସମୟର। ଏହି ରେଳ ଧାରଣାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ପାର ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ କଏଦ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର କୁନି ଶିଶୁ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ପିହୁ ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକଙ୍କ ମଉସା ସୁଭାଷ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁନୀଲ ଜେନା। ସେମାନଙ୍କ ଘର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗତ 7 ମାସ ଧରି ନିଖୋଜ ଅଛି କୁନି ଝିଅ ପିହୁ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାର ଅସଫଳ ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପିହୁ ନିଖୋଜ ନେଇ ପୋଷ୍ଟର ମରା ଅଭିଯାନ, ପୋଖରୀ ଶୁଖା ଅଭିଯାନ ସବୁ ସରିଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ପିହୁ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନ କରି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହା ସହ ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା, ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଭେଡକରଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବିଶାଳ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ନିଆଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଂଘାତିକ ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜ ପରିବାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ଅକ୍ଷିତା ମଞ୍ଜରୀ ଭଞ୍ଜଦେବ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ଭାବେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଦତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଧାନରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ହିଙ୍ଗୁଳି, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ, ନାଲି, ଧଳା ଓ କଳା ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବା ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତ୍ରି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବନକଲାଗି ନୀତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
पखे आसुची पश्चिम बंगर विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा पर बीजेपी तरफ प्रथम स्टार प्रचारक भाव में मंगलवार दिन एक निर्वाचन रैली रे भाग नहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह अवसर में मालदारे उपस्थित विशाल जनसमावेश संबोधित कर योगी कही एथर निर्वाचन में निश्चय बीजेपी राज्य में सरकार गठन कर मे 2 तारीख में निर्वाचन फलाफल घोषित होगा पर पश्चिमबंग जातीय तार दीपोत्सव पालन कर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति की धरती रही है लेकिन आज जब बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं तो पूरे देश को पीड़ा होती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता ममता गड़े जोगी रणहुंकार मे 2 तारीख दिन जातीयतार दीपोत्सव पालन कर पश्चिमबंग शेष हेब ममता तुष्टिकरण राजनीति लव जिहाद और गो चालन रोकवे विफल होती ममता आगामी निर्वाचन में टीएमसी को उचित जवाब देवे राज्यवासी तारीख घोषणा पर बीजेपी प्रथम स्टार प्रचारक भाव जोगी आरंभ कले निर्वाचन राली पाखे आसुची पश्चिमबंगर विधानसभा निर्वाचन एबे सरगरम हेबार लागी सेठिकार निर्वाचनी पाणीपाग शासन क्षमता थिबा ममता टीएमसी को टक्कर देउची बीजेपी तारीख घोषणा पर बीजेपी तरफ प्रथम स्टार प्रचारक भावे मंगलवार दिन एक निर्वाचन राली में भाग नहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह अवसर में मालदारे उपस्थित विशाल जनसमावेश को संबोधित कर योगी कही एथर निर्वाचन में निश्चय बीजेपी राज्य में सरकार गठन कर मे 2 तारीख में निर्वाचन फलाफल घोषित होगा पर पश्चिमबंग जातीयतार दीपोत्सव पालन कर 2 मई को बंगाल के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दीपावली का उत्सव भी मनाया जाना चाहिए इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। टीएमसी सरकार राज्य में केन्द्र विकासमूलक योजना को कार्यकारी कराऊना जो मैंने जय श्रीराम उच्चारण करुं राज्य में विरोध कर दिन थी राम भक्त उत्तर प्रदेश तत्कालीन सरकार बुलेट प्रयोग करते एवं से सरकार क्षमत ना यह पश्चिमबंग घटवाक बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी उस सरकार का हर साथ ने देखा है क्या हो गया है और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। पश्चिम बंगरे दुर्गा पूजा उपरे प्रतिबंधक लगा जाउची गोहत्या और गोचालन करा जाउची मात्र जय श्रीराम कहिबा लोकों उपरे जुलुम करा जाउची राज्य रे लव जिहाद बढ़ी चली यार फल ममता सरकार को भोगिबा को पड़ियो बोली चेतावनी देइतिले जोगी दुर्गा पूजा का जो समय होगा उस समय पूजा ही होगी और उस समय पूजा में कोई व्यवधान हम नहीं पढ़ने देंगे और एक भी जगह पूजा के पंडाल नहीं रोके गए थे लेकिन बंगाल के अंदर बैन किए जाते हैं पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है गो तस्करों को प्रश्रय दिया जाता है उनके समर्थन में सत्ता के यहां पर वक्तव्य आते हैं ये मुझे आश्चर्य होता है इन सब बातों को लेकर के ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारत अपनी आस्था के साथ कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है और बंगाल की धरती भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती के रूप में अपनी पहचान बनाई है। 294 आसन विशिष्ट पश्चिमबंग विधानसभा पाई मार्च 27 तारीख रु निर्वाचन अनुष्ठित होबाकु जाउची मे 2 तारीख दिन हेब भोट गणति बीजेपी स्टार प्रचारक भावे योगी आदित्यनाथ अति कम्रे 12 निर्वाचन राली रे भाग नेबार कार्यक्रम रही ममता टीएमसी कुशासन प्रति भोटर समर्थन ह्रास पाइव एथर निर्वाचन बीजेपी सपक्ष जीव बोली जमापड़
ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। स्थापित करके बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। नजर पकड़ परवर्त खबर उपर जहाँ रही कि हाथी मृत्यु घटन राज्य सरकार कार्यानुष्ठान सदर फरेस्ट रेंजर गौरी शंकर दास निलंबित होती हाथी सुरक्षा अवहेला अभियोग रेंजर निलंबित 2019-2021 जानुरी सुधा छटी हाथी मृत्यु को नहीं कार्यानुष्ठान गत 2019-2021 सदर फरेस्ट रेंज अंचल मोट छटी हाथी मृत्यु घटी केते बेले रेल धक्कारे तो आउ केते बेले शिकारी द्वारा हाथी मान मृत्यु घटीला यह घटना रे तदंतकारी टीम रो रिपोर्ट आधार रे रेंजर को निलंबित करा जायतिबा सह तांको विरोध रे विभागीय तदंत आरंभ होईछि बोली संबलपुर डीएफओ सूचना देछन्ते। दलिया आक्रोशर शिकार कांग्रेसर वरिष्ठ नेता बढ़ला कांग्रेसर कंदल मोदी को प्रशंसा गुलामों पर सृष्टि कला उड़ुआ निज राज्य दलय विरोध में शिकार गुलाम नबी गोटेपटे समस्त राजनैतिक दल पाखे आसुवा निर्वाचन को नहीं व्यस्त रही बेले अंपटे देशर सबुठ पुणा राजनैतिक दल ने जारी रही कंदल राज्यसभा कंग्रेसर सांसद रही आस गुलाम नबी आजाद विरोध में जम्मू कंग्रेस तरफ विक्षोभ प्रदर्शन कर दलीय आक्रोशर शिकार कांग्रेसर वरिष्ठ नेता बढ़ला कांग्रेस कंदल मोदी को प्रशंसा गुलाम को पाई सृष्टि कला अड़ुआ निज राज्य दलीय विरोधर शिकार गुलाम नबी गोटे पटे समस्त राजनैतिक दल पाखे आसुवा निर्वाचन को नहीं व्यस्त रही बेले अंपटे देशर सबुठ पुणा राजनैतिक दल ने जारी रही कंदल राज्यसभा कांग्रेसर सांसद रही आसीबा गुलाम नबी आजाद को विरुद्ध रे मंगलवार दिन जम्मू रे कांग्रेस तरफ विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि। जम्मू रो अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता गुलाम नबी आजाद दल विरोधी मंतव्य देइछन्ति बोली कहि जम्मू रास्ता उपरे आजाद को विरोध रे विक्षोभ प्रदर्शन करिछन्ति। गुलाम नबी आजाद निज दल विरोध रे मंतव्य देबा सहित दल विरोधी कार्यक्रम करिछन्ति बोली जम्मू कांग्रेस तरफ अभियोग करा जायछि। कांग्रेस कर्मी माने विक्षोभ प्रदर्शन करने सहित गुलाम नबी कुश पुतलिका दाह कर देखा जाता। आज जब कांग्रेस क्राइसिस में थी, जब कांग्रेस पार्टी उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कौन करेगा? आपको करना चाहिए था ना। आप यहाँ पूरे DDC के चुनाव में एक बार भी यहाँ नहीं आए और आप यहाँ पे आए और एक कार्यक्रम करके आप सिलेक्टेड कांग्रेस के लोगों को आपने यहाँ पे कार्यक्रम में बुलाया। वो तंजीम जिसके वो हेड भी है उसका प्रोग्राम करके आपने सिलेक्टेड G23 लीडर्स को यहाँ बुलाया और आप यहाँ के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हो। यहाँ जनता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है, वो साफ समझ रहा है कि आज जब वक्त आया कांग्रेस को, सारी जिंदगी कांग्रेस ने आपको दिया जब पावर में थी, आज आपको कांग्रेस को पे बैक करना था और आज जो है BJP से दोस्ती करके आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। निकट रे राज्यसभा अवसर नहीं थी आजाद निज राज्य जम्मू रे कांग्रेस रो नेता मानक द्वारा आयोजित G23 समावेश रे जोग देथिले। एही अवसर रे आजाद प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा करथिले। एपरिकी मोदी जी छोट बेले चा बिक्री करथिबा कथा मध्य साधारण रे प्रकाश करथांती बोली आजाद तांको प्रशंसा करिछंती। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मेरा बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से नहीं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय मांजता। सियासी तौर हम उनसे उनके खिलाफ हैं लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। गुलाम नबी का समेत यही समावेश रे अन्य जो नेता माने जोग देथिले सेमानक मध्य रे थिबा अनेक पुरुखा कांग्रेस नेता पूर्वरु सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी दलर कार्य विधि को नहीं असंतोष प्रकाश करथिले। दलर अध्यक्षता को नहीं प्रश्न करबा सहित दलरे स्थायी अध्यक्ष पद पर निर्वाचन करने को जोर देथिले G23 रा कांग्रेस नेता माने। एही कारण रु गुलाम नबी आजाद आनंद शर्मा को परी
वरिष्ठ नेतांक विरोध कांग्रेस रे क्रमागत भावरे बढ़ी चलीछि। तेबे दलर वरिष्ठ नेतामानकु विरोध करी कांग्रेस रा अन्य नेता और कर्मकर्ता माने प्रमाण करिछंती बुड़ी जाउतिबा एही दल केबे संस्कार आनिबाकु चाहू नै, बरं संस्कार आनुथिबा वरिष्ठ और अनुभवी नेतांकु विरोध करी शेषरे सेही गांधी परिवार उपरे दलर दायित्व न्यस्त करिबाकु चाहूछंती। ए परिस्थिति रे कांग्रेस रो बुड़ी जाउथिबा डंगा को दल भितरे सृष्टि होइतिबा झड़ पूरा बुड़ाई देबो बोली चर्चा हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। एबे दुईटी नुहे गोटे चैनल रे प्रसारण हेबो संसदर कार्यक्रम। राज्यसभा टीवी एवं लोकसभा टीवी मिश्रित होई गोटे नूतन चैनल होछि। नूतन टीवी रो नाम संसद टीवी रखा जायछि। अवसरप्राप्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर सीओ भावरे नियुक्ति पाइछन्ति। संसदर उभय गृहरे कार्यक्रम ए संसद टीवी माध्यमरे प्रसारण करा जिवो। मिसिला राज्यसभा ओ लोकसभा टीवी, नूतन टीवी रो नाम संसद टीवी। एबे दुईटी नुहे गोटी चैनल रे संसदर कार्यक्रम। अवसरप्राप्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर सीओ भावरे नियुक्त। उभय संसदर कार्यक्रम एही संसद टीवी माध्यमरे प्रसारण करा जिवो। राज्यसभा टीवी एवं लोकसभा टीवी मिश्रित होइ गोटिए नूतन चैनल होइछि। एही नूतन टीवी रा नाम संसद टीवी हेबो। अवसरप्राप्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर एक वर्ष पई एहार सीओ भावरे नियुक्त होइछन्ति। रवि कपूर एहा पूर्वरु केंद्रीय मंत्रालयर विभिन्न विभागरे कार्यकारी अवसर नैथिले, जहां मध्यरे पेट्रोलियम और टेक्सटाइल मंत्रालय सामिल थिला। गत वर्ष जून मासरे एही मिश्रणर सूचना मिलिथिबा बेले सोमवार राज्यसभा सचिवालय कार्यालय पक्षरु एहार घोषणा करा जायथिला। एही मिश्रण संपर्करे जणे अधिकारी कहिछन्ती लोकसभार लाइव प्रक्रिया लोकसभा टीवी रे प्रदर्शित हेबो एवं अपर हाउस रा प्रक्रिया राज्यसभा टीवी रे सीधा देखा जिवो। संसदर मिलित अधिवेशन एवं संसदीय कार्य व्यतीत उभय चैनल साधारण विषयवस्तु प्रसारण करि पारिबे। एहा लोकसभा टीवी रे हिंदी रे एवं इंग्रजी रे राज्यसभा टीवी रे प्रसारित हेबो। गत वर्ष नवंबर रे राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू एवं लोकसभा वाचस्पति ओम बिल्ला एही दुईटी चैनल रो मिश्रण करिबा पई एक प्यानेल गठन करथिले। एही प्यानेल रो सुपारिश क्रमे दुई संसदर कार्यक्रम देखिबा पई आउ दुईटी टीवी चैनल खोलिबाकु पडिबो नाही। उभय संसदर कार्यक्रम एही संसद टीवी माध्यमरे प्रसारण करा जिवो। सूचना मुताबक लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापतिंक मिलित निष्पत्ति परे एपरि पदक्षेप निया जायछि। भारतरे लोकसभार कार्य दिवसकु लोकसभा टीवी माध्यमरे प्रसारण करा जाउथिला। 1999 मसियारे एही टीवी च्यानेलर शुभारंभ करा जायथिला। किछि वर्ष परे एही च्यानेलरे राष्ट्रपतिंक अभिभाषण सह लोकसभार प्रश्नकाल और शून्यकाल भली कार्यक्रम को लाइव टीवी माध्यम रे प्रसारण करा जाउथिला। सेही भली राज्यसभा टीवी 2011 मसियारे आरंभ होइथिला, जेउथिरे लोकसभार लाइव प्रसारण व्यतीत राजनैतिक सरकारी और अन्य कार्यक्रम मान प्रसारण करा जाउथिला। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। समस्त रे छिब्रटिंग रखिबा अधिक पई आपण विजिट कर पारबे हम वेबसाइट आर्गस न्यूज। नमस्कार।